समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिलाधिकारी और एसएसपी से मुलाकात कर कल जो होने वाली मतगणना है उसके बारे में बात की है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं रुचि वीरा जी, जो मुरादाबाद से प्रत्याशी हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या बात हुई दोनों अधिकारियों से, आपने आज मुलाकात की है? देखिए, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। मेन तो हमने यही कहा है दोनों अधिकारियों से कि भाई हम ये चाहते हैं जो भी मतलब न्याय संगत होना चाहिए और मतलब काउंटिंग हमारी ठीक ठाक हो जाए, जो मतलब नियमानुकूल होना चाहिए वही मांग है हमारी। कोई और विशेष कोई बात नहीं है कि भाई ठीक ठाक हो जाए। जो भी हमने एक ये बात रखी कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको पानी खाना पहुंच जाए, क्योंकि गर्मी हो रही है, आप समझ रहे हैं 48-49-50 टेम्परेचर हो रहा है, तो पानी की ले जाने की अनुमति मिल जाए, हमें उनके लिए खाना ले जाने की अनुमति मिल जाए। और भाई अपने कार्यकर्ताओं से, अपने एजेंट से भी ये कहना है कि वो अपने काउंटिंग पर फोकस रखें, जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अपने काउंटिंग पर फोकस करें, हर वोट को लिखें, कैलकुलेशन करें। और ये अधिकारियों से एक बात ये रखी है हमने कि जो फॉर्म 17C Part 2 है वो हमें साइन होके मिलता रहे कि भाई हर टेबल के ऊपर, और जो ARO टेबल पे जो टेबुलेशन हो उसका जो चक्र, जब एक चक्र समाप्त हो उसके बाद ही दूसरा चक्र शुरू करें, ये मांग हमने रखी है। और बस यही है कि अपने कार्यकर्ताओं से भी कहना है कि पूरा एक दूसरे का सहयोग करके, अपनी मर्यादाओं में रह के अपनी काउंटिंग को कराएं। बहुत अच्छी खबरें हैं, न केवल मुरादाबाद में बल्कि आसपास की सीटों पर भी बहुत अच्छी खबर है। रामपुर हो, अमरोहा हो, संभल हो, सभी सीटों की अच्छी खबरें आ रही हैं। इसकी वजह यह है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसके बाद से जैसे अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देश भी दिए हैं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मतगणना स्थल पर रहने के लिए, क्या उसी सिलसिले में, उसी चिंता के तहत आप लोगों ने मुलाकात की है? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज ये निर्देश जारी किए थे कि जो पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग हैं, जो विधायक लोग हैं, जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, या जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर एक डेलीगेशन मिले और ये बात रखे कि भाई हम निष्पक्षता से हमारी मतगणना हो जाए और हमारे साथ कोई द्वेषपूर्ण व्यवहार ना किया जाए। यही सबके विषय में आज हम सब लोग मिले थे। फिक्र है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी और इंडिया गठबंधन को भी कि भाई कहीं हमारे साथ कुछ नाइंसाफी ना हो जाए। और देखिए, उम्मीद करते हैं क्या कि लग रहा है आपको मुरादाबाद सीट पर, लोकसभा सीट पर आप कितने वोटों से विजयी होंगी? अब तो कैलकुलेशन भी कर लिया होगा पूरा। देखिए, खबरें बहुत अच्छी हैं और जीत तो जीत होती है, और ऊपर वाले ने चाहा बहुत अच्छी जीत होगी और मंडल में बिल्कुल ऐतिहासिक जीत होगी ये। और भाई मैं सब लोगों का धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का भी, और धन्यवाद करना चाहती हूँ मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का भी। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, तमाम बड़े नेताओं ने आज जिलाधिकारी मुरादाबाद और एसएसपी मुरादाबाद से मुलाकात की और जो अपनी बातें हैं वो रखी हैं। उनको उम्मीद है कि कल होने वाली मतगणना जो है पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।